एक तरफ है। सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सच्चाई रुबिका जी। अरे सर, 2002 एक 10 सेकंड और दे दीजिए। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, 400 आप ही ले जाएंगे हमारे पास, 2009 में 3 लाख खाएंगे जो है, सिर्फ एक सीट थी। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, काजू कतली खाने का अगर उनको जनता दे तो खा ले वो। अच्छा मनोज काका, देने का अधिकार है ना, जनादेश देगा कौन? मनोज काका जी, जी 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 रूबिका बताएं। आपने सुना ना, उन्होंने पूरा कैलकुलेटर अपने सामने खोल दिया है, आपके मेरे सतीश जी के बाकी सारे मेहमानों के, और कहा है कि देखिए हमारे पास इतनी सीटें हैं, यहाँ से हम ये लेकर आएंगे, वहां से ये लेकर आएंगे, और साउथ हमारा द्वार है, 400 पार साउथ बनेगा द्वार। नहीं, साउथ जो दक्षिण भारत है, ये संपूर्ण भारत का द्वार है, वो कोस्टल एरिया है, आप जानती हैं। साउथ पर हम सबको गर्व होना चाहिए, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई एरिया है, और उस पर हमें गरूर है। साउथ और उत्तर पूर्व सब एक है, हम तो उसको मानते हैं। लेकिन वो एक जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। जिनको 150 सीटें नहीं मिलने जा रही, आप इनसे पूछ लीजिए केरल में इनकी कितनी सीटें आएंगी, आंध्रा में इनकी कितनी सीटें आएंगी, जीरो। तमिलनाडु में पिछली बार इनकी कई 129 सीटों में से इनकी सिर्फ वहां पर 29 सीट आई थी, उसमें सबसे इनका बेहतर जो प्रदर्शन था वो कर्नाटक में था, इनकी सरकार थी। अब तो वहां कुछ भी नहीं बचा है, और इनके पास अब कहीं कुछ होने वाला नहीं था। कई राज्यों में जहां इनका वोट पहले 12% था, वहां अभी 11% 10% आ गया है। तो अब इनसे पूछिए कि केरल में कितनी सीटें आएंगी, तमिलनाडु में कितने आएगी, आंध्रा में कितने आएगी, सब जगह जीरो बचा सन्नाटा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से अच्छा जीतेंगे, बिहार में कितना। अब आप इधर आ जाइए, पूर्वी भारत में आ जाइए, पूर्वी भारत में पूछिए बिहार में कितना जीतेंगे, पश्चिम बंगाल में कितना जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में कितना जीतेंगे, हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है। तो अपने मुंह से अगर आपको कहना है तो आप सीधे कह दो कि हम 545-45 जीत लेंगे। आपको अपने मुंह से ही, अब सवाल यह है कि 10 साल सरकार में रहे, लोगों ने सवाल पूछा है कि आप कहां, आपकी क्या हैसियत है, आपकी कोई जवाबदेही है कि नहीं। हाँ। लोगों ने प्रधानमंत्री जी से, आपने तो बात कहा मैं खत्म कर, प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश की गरिमा, और वो प्रधानमंत्री सिर्फ पक्ष के ही नहीं, विपक्ष के भी है, हम सभी के हैं। लेकिन उसको बनाए रखना, उसको बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उनके गरिमा की। और प्रधानमंत्री जी को भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के शब्दों से तो परहेज करना चाहिए कि मैं तो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूँ, नहीं बोलना चाहिए उनको। निश्चित रूप से वो हम सबके प्रधानमंत्री, और हर उसके गंभीर सवालों को उनको चिंता जाहिर करनी चाहिए। चुनाव के बाद उनको जवाबदेही उनकी होनी चाहिए कि देश में जिसके लोकमत में, जिसके जनतंत्र में आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम साल हर साल देंगे, आपने कहा इन देश के नौजवानों से, आपने वादा करा, और आपने अपने सदन में 9 साल के बाद कहा कि मात्र 7,21,000 दे पाए, आपने कहा साहब कि देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे, उसके प्रति आपकी कहीं भी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखी। और इस देश में माताओं बहनों की क्या हालत है, आपने रुपए कर कहा, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि जब रुपए की साख गिरती है तो पूरे देश की साख गिरती है। आज रुपया कहाँ खड़ा है, 85 रुपए प्रति डॉलर के लोग खड़ा है, जो एशिया में 10% सुनिए रुपया जी, इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि जो एशिया में सबसे 10 ताकतवर करेंसी में हमारी करेंसी आती है, आज उससे भी हम बाहर। तो हालात हमारी खराब है, ये जवाब मनोज काका जी, हमारी शब्द और भाषा की बात करें मनोज काका जी, उसमें सबसे पहले हम तो उस नेता के सिपाही हैं। मनोज काका जी सुनिए आप मेरी बात, और आवाज तेज कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सतीश जी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है मनोज काका जो बात कह रहे हैं। अब मनोज काका जी, आपने कहा संयमित भाषा में जितने आरोप लगाने लगाइए, मैं तो सुन रही हूँ और सुनती रहूंगी। मैं कह रही हूँ 40 मिनट तक आप बेरोक टोक बोल सकते हैं, लेकिन आप जब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, मतलब आप बड़े से बड़ा आरोप लगाइए ना, ये बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना होगा। लेकिन अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, सतीश जी ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, संवैधानिक पद है, झूठा, फ्रॉड, मक्का, लालची, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तो कोई सहन करेगा? कतई नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूंगी। अब आपने आरोप लगाया, मैं जवाब देने का मौका दूंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं डिबेट में पहले एक बार सबसे ओपनिंग रिमार्क चाह लेती हूँ और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। हाँ माने साहब, ये तो प्रेम शुक्ला जी तो देखिए सातवें आसमान पर है,
ओहो देख रहे हैं आप कैसे गिनवा रहे हैं, 400 पार और आपके दक्षिण को बनाएंगे द्वार। रूपिका जी दक्षिण से शायद पैनल में आज मैं अकेला हूँ, तो थोड़े टाइम में मुझे उतना ही दीजिए, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी तो 400 बोल दिए, पर देखिए 17 उम्मीदवारों में से 7 तो उम्मीदवार आपके सुबह पार्टी में भाजपा में ज्वाइन हुए और शाम में उनको टिकट मिल गया। 4 तो हमारे सिटिंग एमपी थे, 2 हमारे विधायक थे, 1 तो कांग्रेस का था। अगर सचमुच आप इतने ही बलवान हो तो क्यों आपके खुद के पार्टी के नेतागण के ऊपर क्यों आपको विश्वास नहीं है, क्यों आपको बीआरएस से या क्यों आपको कांग्रेस से चाहिए उम्मीदवार? इसी से समझ में आता है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। सच नहीं है क्या शुक्ला जी? नागर कर्नूल के कौन है, जहीराबाद के कौन है, बताइए, हमारे ही तो सांसद थे वो। और आपने बताया कि 2019 में आपने 4 जीता, 4 सांसद जीता, खुश है, पर वो 4 में से 3 महीने पहले जब असेंबली के चुनाव थे 3 के 3 तो हार गए ना, बंडी संजय जी हार गए, आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बंडी संजय जी, हार गए चुनाव। धर्मपुरी अरविंद जी आपके सांसद थे, वो भी असेंबली इलेक्शंस में हार गए। देखिए हम एक कहना चाहते हैं, रूपिका जी आपने बताया स्टार्टिंग में कि केसीआर जी बीमार है, केसीआर जी बीमार नहीं है, उनको चोट हुई थी, पर कल किसानों के लिए केसीआर जी बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है रेवंत रेड्डी जी की 3 महीने से पानी नहीं छोड़ रही है, कल केसीआर जी बाहर आए, आज सुबह कांग्रेस सरकार ने पानी छोड़ा, ये असर है केसीआर का। अभी केसीआर खत्म नहीं हुए, चुनाव होते रहते हैं, पर एक बार अगर केसीआर लोगों के बीच में आ गए, आपको आश्वासन देते हैं आने वाले दिन किशन रेड्डी जी हार रहे, बंडी संजय हार रहे, जो रिसेंटली हाल ही में असेंबली इलेक्शंस में हार गए ना, फिर से अभी सांसद में हारने वाले। हाँ, देखिए माने जी ये गठबंधन इनको क्यों, आपने बोला पवन कल्याण का असर तेलंगाना में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पवन कल्याण जी कभी 1 सीट भी नहीं जीते, तेलंगाना में नहीं जीते, आंध्र में तो खुद पवन कल्याण भी हार गए, यहाँ पे तो उनका असर भी नहीं है। अगर गठबंधन कर ले भी यहाँ पे तो जनसेना कुछ उनका स्ट्रांग वॉइस ही नहीं है। माने साहब मैं समझ गई आपकी हर भावना को, और देखिए हम यहाँ बैठकर दुआएं करेंगे। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके आपके नेता तंदुरुस्त रहे? आप कह रहे हैं एक बार आ गए तो सारे चारों खाने चित हो जाएंगे, तो प्रभु लाइए ना, किस बात का इंतजार है? लोकतंत्र में तो तगड़ी फाइट देखने में मजा आता है, आनंद आता है। अब 2024 निकल जाने के बाद थोड़ी किसी बात का आनंद आएगा। सतीश के सिंह साहब, क्या फाइट तगड़ी मिल रही है, या ये मान लिया जाए कि इस बार ये 400 पार वाले माइंड गेम में सबको उलझा दिया है? देखिए माइंड गेम में तो उलझा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। जो दक्षिण पे फोकस है, दक्षिण के दरवाजे की बात आप कर रही हैं द्वार की, उधर फोकस क्यों है, एक बड़ा सवाल है। क्या ये 272 क्रॉस करने वाला है या 400 पार करने वाला है? ओहो मतलब आप कह रहे हैं 272 भी मुश्किल है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, आपने पूछा है सवाल, मैं बताता हूँ। जिस तरह से दक्षिण में प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं, तमिलनाडु खास तौर से, और केरल और इधर आंध्र और तेलंगाना पे भी फोकस है, तो मान लीजिए कि 30-40 सीट ये बटोर लेते हैं। हाँ। तो ये दोनों काम आएगा ना, एक तरफ वो 400 का जो इनका नारा है, और नहीं अगर कोई डेफिसिट हो गया तो भी, क्योंकि देखिए जिस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं, अब कच्छा तीबू का मुद्दा आ गया, फिर आप देखिए वो कैसे कैसे उम्मीदवार खड़े, अन्नामलाई कोयम्बटोर से, सुरेंद्रन वहाँ वायनाड से, JDS को यहाँ मिला लिया, TDP को वहाँ मिला लिया, और कहते तो लोग ये भी है विपक्ष वाले कि AIMIM और BRS भी मिला जुला के सैटेलाइट पार्टी में आती है। तो इन्होंने जो संरचना की है, जो बिसात बिछाए वो तो किया है, लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ, ये दक्षिण में इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मैं पहला प्रयोग देख रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी संशय है। हाँ। कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण का लिंगुआ फ्रैंका है? सीधा सवाल है प्रेम शुक्ला जी, उसका जवाब दे, उससे पहले दो और मेहमान क्विकली आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। क्या अभी अभी कहा 272 या 400 पार, ये या तो इस साइड है या इस साइड है? अभिषेक झा साहब,
कहीं ऐसा तो नहीं है नर्वसनेस के चक्कर में ये बिल्कुल वो संजू वाला मामला है कि आप बताओ मत आप कितने कमजोर हो, बस ये दिखाते रहो कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ। रूबिका जी, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, और जब हम चुनाव में होते हैं, राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, तो जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। जनता जिनको आशीर्वाद देती है, मैंडेट देती है, वही सत्ता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुए वहां भी आपने नतीजे देखे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगातार जो जहां पे सत्ता में थे ये लोग वहां हारना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि आधी लड़ाई तो मनोबल से जीत ली जाती है। चुनाव में भी जनता उन नेता को पसंद करती है जिनके मनोबल में ताकत होती है, जिनके अंदर क्षमता दिखती है। वैसे नेताओं को जनता नकार देती है जो दिशाहीन चलते हैं, बातें करते हैं, मुद्दा विहीन रहते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि किनको साथ लेकर कैसे चलना है, क्या करना, कोई स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती है। ऐसे नेताओं को जनता हमेशा से नकारते आई है। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का जो कुनबा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत भी होता चला जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों में भी आप देख रहे हैं कि इनके साथ के घटक दल इनका साथ छोड़ छोड़ कर लगातार एनडीए में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ये जो नारा दिया गया है 400 पार, इस नारे से आपत्ति क्या है? इस बहस में क्यों पड़े हैं कि 400 हम पार करेंगे या नहीं? आप तो कोई नारा दीजिए अपने विषय में, आप तो बताइए अपना लक्ष्य तो बताइए। ओके ठीक है, अपना लक्ष्य। मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग रिमार्क।